इंप्रूव्स न्यू बार्स चैम्बर, क्या बता रहे हैं हम आपको? आपको इंप्रूव्स न्यू बार्स चैम्बर बता रहे हैं, इंप्रूव्स न्यू बार्स चैम्बर। जो इंप्रूव न्यू बार्स चैम्बर होता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो वो एक स्क्वायर शेप का चैम्बर होता है, जो कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का। ठीक है, मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, आप देखते रहिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम हैंड से बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो इनकी साइज होती है वो एग्जैक्ट बराबर होती है, स्क्वायर शेप में होते हैं बिल्कुल, जितने लंबे होते हैं जितने चौड़े। ठीक है, ये इस तरह का स्क्वायर होता है, इसमें से ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, इसका उपयोग बेसिकली लेबोरेटरी में नहीं किया जाता काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये चैम्बर किए जाते हैं। ठीक है, मैं एज इट इज एज आपको यहां पे इमेज लगा दूंगा, इमेज दिखा देता हूं चैम्बर का, वो आप ज्यादा देख के समझ पाएंगे। चलिए, ये एक रफ डायग्राम है न्यू बार्स चैम्बर का, इंप्रूव न्यू बार्स चैम्बर का। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है इस चैम्बर की, वो होती है 1 mm। कितना होती है? यहां से यहां की जो चैम्बर की डिस्टेंस होती है वो 1 mm होती है, और यहां से यहां तक चैम्बर की जो डिस्टेंस होती है वो 1 mm होती है। तो इस तरह से ये जो चैम्बर की पूरी चौड़ाई होती है वो 3 mm की होती है, इंप्रूव न्यू बार्स चैम्बर की। उसी तरह से जो यहां से यहां तक इसकी विड्थ होती है वो 1 mm होती है, और यहां से यहां तक जो विड्थ होती है वो 1 mm होती है, और यहां से यहां तक की जो विड्थ होती है वो भी 1 mm होती है। तो इस तरह से टोटल 3 mm लेंथ होती है। कितना होती है? 3 mm लेंथ होती है। तो 1 mm, 1 mm, 1 mm, 3 mm पूरे चैम्बर की विड्थ होती है और 3 mm पूरा लेंथ होती है। दैट मीन्स पूरा जो ये इंप्रूव न्यू बार्स चैम्बर होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको एग्जैक्ट क्यों बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है, आगे इनका उपयोग होगा कैलकुलेशन के लिए। देखिए, इसकी जो चैम्बर की डेप्थ होती है, जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये ग्रेव है, इसके अंदर धसाव होता है, और ये जो ग्रेव है, इस ग्रेव की जो डेप्थ होती है वो होती है 0.1 mm। तो यहां से सवाल पूछा जाता है, तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपके एकेडमिक एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में, कि जो इंप्रूव न्यू बार्स चैम्बर होता है उसकी डेप्थ कितनी होती है। तो उसकी डेप्थ कितनी होती है? 0.1 mm। हाइट कितनी होती है एक स्क्वायर के? ये जो कॉर्नर का है ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, और ये 5वां। टोटल 5 लार्ज स्क्वायर होते हैं जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं। ये जो कॉर्नर के स्क्वायर हैं, एक एक स्क्वायर में 16 16 स्क्वायर होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं? 16 16 स्क्वायर। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, सब में। ठीक है, देखिए ये सब में 16 16 स्क्वायर है, राइट? ये देखिए, इन सब में 16 16 स्क्वायर है, काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो कॉर्नर के लार्ज स्क्वायर हैं, जिसमें 16 16 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, इनका उपयोग हम WBC काउंटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? WBC काउंटिंग के लिए। यहां पे क्या करते हैं? यहां पे हम WBC काउंट करते हैं, ब्लड सेल काउंटिंग जब करते हैं तो। ठीक है, इनका उपयोग हम WBC काउंटिंग में करते हैं। और जो ये सेंटर का स्क्वायर होता है, इसमें 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। देखिए, आप ब्लैक पेन से हमने बनाए हैं, ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक मार्कर से बनाए हैं, ये वाले स्क्वायर आप देखें, ये देखिए, अगर आप ये लाइनिंग देख पा रहे हो तो ये वाली। ठीक है, देखिए, एरिया जो है वो उतना ही है जितना कि इनका एरिया था, 1 mm चौड़ा, 1 mm लंबा और 0.1 mm गहरा, एरिया सेम है, बस इसमें जो स्क्वायर की संख्या है वो बहुत ज्यादा बना दी गई है। पहले तो इसको, इस बड़े से स्क्वायर को 25 स्मॉल स्क्वायर में बनाया गया, और उस 25 स्मॉल स्क्वायर को प्रत्येक में 16 16 स्क्वायर बना दिया गया। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे, ये जो सेंट्रल एरिया होती है इस एरिया में, तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे? तो देखिए, एक बड़ा स्क्वायर है,
उसके अंदर 25 स्क्वायर बनेगा। अब 25 स्क्वायर में एक एक में 16 बना गया, तो 16 इसमें हो गया, 16 यहाँ, 16 यहाँ, 16 यहाँ, 16 यहाँ, तो 16 पच्चे 80, 80 स्क्वायर ऊपर वाली लाइन में हो गई। तो 80, 80, 160, 240, 320 और 400। तो ये जो पूरा सेंट्रल स्क्वायर है इसमें टोटल 400 छोटे छोटे स्क्वायर हो गए। कितने स्क्वायर हैं? 400 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ठीक है। अब इसमें से जो ये कॉर्नर का स्क्वायर है, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग और इसका उपयोग और ये सेंटर वाले का उपयोग, ये जो पांचों स्क्वायर का उपयोग होता है उसका हम उपयोग करते हैं आरबीसी काउंटिंग के लिए। अब आप पूछेंगे, सर आपने इसका इसका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कर लिया, ऐसा क्यों? हम एक लाइन से पांच कर लेते या फिर पांच पूरे स्क्वायर का काउंटिंग कर लेते, सबका कर लेते, तो क्या गलत हो जाता है? कोई गलत नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखिए, पहली चीज तो आरबीसी की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो इतना ज्यादा होती है कि जब अगर आप पूरे सेल पे काउंट करने लगेंगे तो बहुत सारी सेल काउंट करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 2500-2500 सेल काउंट करनी पड़ेगी नॉर्मली, जो काउंट करना संभव नहीं है। या अगर 2500 सेल एक ही पेशेंट का काउंटिंग करते रह जाएंगे तो और सेल कैसे काउंटिंग करेंगे, और टेस्टिंग कैसे काम करेंगे? 2500 काउंटिंग में बहुत वक्त लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, चैम्बर के चारों, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर का सेल काउंट, चारों कॉर्नर के जो छोटे 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 स्क्वायर होते हैं उनके बीच का सेल काउंट कर लेते हैं और सेंटर का काउंट कर लेते हैं। अब एक चीज समझ में आना चाहिए कि अब हम जब पांच ही हमें काउंट करना, तो हम एक लाइन से क्यों नहीं कर लेते, पांचों अलग अलग जगह से क्यों कर रहे हैं? पांचों अलग अलग जगह से इसलिए करते हैं ताकि जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे स्क्वायर में किस तरह से है ये पता चल जाए। क्यों? क्योंकि जब आपने चार्ज किया, पता लगा इधर सेल ज्यादा सेटल डाउन थी, इधर कम सेटल डाउन थी, या इधर कम सेटल डाउन थी, इधर ज्यादा सेटल डाउन थी, तो आपने अगर पांचों यहां से काउंट कर लिया तो काउंटिंग ज्यादा आ जाती, और पांचों यहां से काउंट कर लेते तो काउंटिंग कम आ जाती। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, चारों इस कॉर्नर से काउंट करते हैं, बीच से काउंट करते हैं, ताकि अगर कहीं पे ज्यादा सेल एक्यूमुलेट हो और कहीं पे कम सेल एक्यूमुलेट हो तो उसका एक एवरेज बैलेंस मिल जाए और एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। यही वजह है कि हम ये पांचों अलग अलग जगह से काउंट करते हैं, एक जगह से नहीं करते। और पूरा इसलिए नहीं काउंट कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दैट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट, ठीक है। पॉसिबल का मतलब ऐसा नहीं कि आप कहो नहीं सर क्यों नहीं पॉसिबल, अब तो 2500 काउंट कर सकते हैं, तो भैया कर लो, कौन मना कर रहा है आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जब आप सेल इसमें काउंट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ WBC या नंबर ऑफ RBC कैसे निकालते हैं, आप उसको बताते हैं। देखिए, इस एरिया में कितना वॉल्यूम में आपने सेल काउंट किया है ये पता करना होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो एरिया होता है 1 mm का, इस ये पूरा एरिया, तो एरिया से अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, जो आपका एरिया कवर है उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी क्या लंबाई गुड़े उसकी चौड़ाई, चौड़ाई गुड़े उसकी गहराई या ऊंचाई, ठीक है। तो अगर आप इसकी ये लंबाई मान लें या इसकी ये चौड़ाई मान लें, तो चौड़ाई कितनी है 1 mm, कितनी है 1 mm, ये चौड़ाई मान लिया, तो आप ये लंबाई मान लीजिए, तो लंबाई कितनी है 1 mm है, ठीक है, लंबाई भी 1 mm है, तो लंबाई कितनी है इसकी 1 mm और चौड़ाई कितनी है 1 mm। विड्थ मतलब कितनी ऊंचाई है, गहराई इसकी कितनी है, तो गहराई हमने आपको बताया कि इसमें जो डेप्थ होती है वो होती है 0.1 mm, तो यहां पे कितना हो गया 0.1 mm। तो अगर इस पूरे एरिया का वॉल्यूम देखा जाए कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, तो 1 × 1 × 1 बराबर 0.1 माइक्रोलीटर, क्या है माइक्रोलीटर। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहां ये जो ये एरिया है वो है 0.1 माइक्रोलीटर। अब ये जो न्यू बार्स चैम्बर होता है इसमें कोई भी सेल जब आप काउंट करते हैं तो उसके लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, N × D/V, क्या है N × D/V, N बराबर होता है नंबर ऑफ सेल,
जो आप यहां पे सेल काउंट करते हैं, तो काउंटेड सेल हो गया, काउंटेड सेल एन, एन जो है वो काउंटेड सेल हो गया। डी बराबर डाइल्यूशन फैक्टर, क्या है डी बराबर डाइल्यूशन फैक्टर। जब आप कोई भी सेल काउंट करते हैं तो सीधा इसमें ब्लड नहीं डालते, पहले उसको एक निश्चित अनुपात में डाइल्यूट करते हैं ताकि प्रॉपर वो चार्ज हो जाए। जैसे आरबीसी अगर आप काउंट करने जाते हैं, आरबीसी तो एक अनुपात 200 के अनुपात में डाइल्यूशन करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट करने जाते हैं तो आप 1:20 के अनुपात में डाइल्यूशन करते हैं। प्लेटलेट्स काउंट करने जाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट करने जाते हैं तो आप 1:100 के अनुपात में डाइल्यूट करते हैं। तो यहां पे जो डी है वो है डाइल्यूशन फैक्टर। तो अगर आप आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो डी की जगह पे 200 हो जाएगा, आप डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं तो डी की जगह पे 20 हो जाएगा, प्लेटलेट्स काउंट कर रहे हैं तो डी की जगह पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एन और इनटू डी, डी मतलब डाइल्यूशन फैक्टर। अब मान लिया हमने डब्ल्यूबीसी हम काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, तो डी की जगह पे कितना हो जाएगा 20 और वी बराबर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब कितना एरिया काउंट कर रहे हैं, तो आपको पता है हम कितना एरिया काउंट कर रहे हैं, ये एरिया काउंट कर रहे हैं, ये एरिया काउंट कर रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया काउंट कर रहे हैं। अब इन चारों एरिया का वॉल्यूम कितना है, तो मैंने आपको इसका वॉल्यूम, एक एरिया का वॉल्यूम काउंट निकाल के दिखाया था, या चारों एरिया का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक एरिया का वॉल्यूम कितना था, देखो यहां से कैलकुलेट करो, 1 × 1 × 0.1 = 0.1। तो एक का कितना वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हुआ 0.1, इसका वॉल्यूम कितना हुआ 0.1, इसका वॉल्यूम 0.1, इसका वॉल्यूम 0.1। तो और अगर चारों को जोड़ दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 20/0.4। ठीक है, अगर आप इसको और इजी वर्ड में करेंगे तो n बराबर नंबर ऑफ सेल इंटू, ये 20 है, अगर ऊपर नीचे दोनों से 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/4, और फिर n इंटू, अगर 4 का 200 में भाग देंगे तो आ जाएगा 50। तो n बराबर क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल काउंटेड, जो आपने सेल काउंट किया था। यहाँ पे सपोज दैट आपने 10 सेल काउंट किया, यहाँ पे 20 सेल काउंट किया, यहाँ पे 30 सेल काउंट किया, यहाँ पे 40 सेल काउंट किया, तो कितना हुआ 10, 20, 30 हो गया, और यहाँ पे 30, 60, यहाँ पे 40, 100। तो आपने 100 सेल काउंट कर लिया, तो 100 × 50 कितना हो गया, 5×5 ये हो गया 5000 प्रति माइक्रोलीटर। ये तो डब्ल्यूबीसी के लिए हो गया, इज इट क्लियर। अब ऐसे ही आप आरबीसी के लिए भी देख सकते हैं, चलिए हम आरबीसी के लिए भी आपको दिखा देते हैं। जैसे सपोज दैट क्या है, अब यहाँ पे देखिए एन इंटू डी अपॉन बी, एन बराबर नंबर ऑफ सेल, डी बराबर डाइल्यूशन फैक्टर। तो आरबीसी के लिए डाइल्यूशन कितने रेशियो में करते हैं, 200 के रेशियो में करते हैं, है ना। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम आरबीसी के लिए बदल जाएगा। देखिए अब आरबीसी के लिए वॉल्यूम थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 0.1, लेकिन हम पूरा एरिया तो नहीं कवर कर रहे हैं ना, हम कवर कर रहे हैं कितना 5, और 5 कितने में, 5 कवर कर रहे हैं 25 में, तो 5 out of 25 ये हो गया। ठीक है, कितना है 5 out of 25। तो यहां पे अगर वॉल्यूम आप निकालेंगे तो n इंटू 200 अपान, अगर आप इसको इजी वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5/25। ठीक है, और कैलकुलेट कर लीजिए n इंटू 200, अगर ये 25 को ऊपर लाना चाहते 25 को ऊपर ला दें, लेकिन हम और इजी कर लेते हैं इसको, 5/250 कर सकते हैं। ठीक है, अब 250 क्यों करें अभी आप बताएंगे, 10 दोनों तरफ गुणा कर दिया, फिर और इजी में करो इसको, तो n इंटू 200 इंटू 250 ऊपर आ जाएगा इंटू 5। ठीक है, और इजी करो इसको, n इंटू 200, अब अगर 5×5 = 25 इंटू 50 एन, अब 50×200 इंटू, इसमें करेंगे 5×2 = 10 और 2 0 ये और 1 0 ये। दैट आपने आरबीसी कितना काउंट किया, एक आपने 400 आरबीसी काउंट कर लिया पांचों स्क्वायर में, कितना 400, तो हो जाएगा 400×10,000। तो ये अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,40,00,000 हो जाएगा।
40 लाख, या आप इसको लिख सकते हैं 4.0 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। ये हो गया। अब ऐसे ही प्लेटलेट्स के लिए काउंट करेंगे तो आप जानते हैं प्लेटलेट्स का डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है, 100 होता है, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम पूरा पूरा प्लेटलेट्स के लिए ये पूरा एरिया काउंट करते हैं, क्या करते हैं पूरा एरिया काउंट करते हैं, तो प्लेटलेट्स के लिए हो जाएगा 0.1। अब आप गुणा करेंगे n इंटू 100 है, अगर ऊपर नीचे दोनों 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के लिए क्या होगा, n इंटू 1000। अब अगर आपको प्लेटलेट्स काउंट करने जा रहा है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तो मान लिया आपने n 400 प्लेटलेट्स काउंट कर लिया तो गुणे 1000, तो 400 गुणे 1000 हो जाएगा, तो 4 लाख। तो आप इसको देख सकते हैं 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर। ये है पूरा इंप्रूव्स न्यू बार्स चैम्बर का उपयोग। अब आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, बस आपको इसका वॉल्यूम निकालने आ जाए और आपको ये फार्मूला पता हो n इंटू डी अपान वी, इसी के अनुसार आप कोई भी सेल काउंटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब n बराबर नंबर ऑफ सेल, d बराबर डाइल्यूशन फैक्टर, v बराबर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने हमने आपको इसका बता दिया, डाइल्यूशन फैक्टर जो आप उपयोग करते हैं, आरबीसी को काउंट करने के लिए 1:200 का अनुपात करते हैं। अब आप जरूरत पड़े तो 400 का भी कर लीजिए, यहाँ पे 400 रख दीजिएगा, या फिर जरूरत पड़े तो 100 का कर लीजिए, यहाँ पे 100 रख लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड मानक 1:200 होता है, प्लेटलेट्स के लिए जो रेशियो होता है वो 1:100 होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत एक बार आप न्यू बार्स चैम्बर समझ लीजिए, लाइफ टाइम न्यू बार्स चैम्बर कभी भूलेगा नहीं, लाइफ टाइम ये न्यू बार्स चैम्बर आपके उपयोग में आना है, क्योंकि काउंटिंग एक बार आपको सीखने की जरूरत है बस, ठीक है। अब आप कोई भी सेल आप काउंट करें, फार्मूला यही लगाएं, बस आपको डाइल्यूशन फैक्टर पता होना चाहिए, वॉल्यूम अपने आप निकाल लेंगे, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा।